हेलो दोस्तों, वन सेकेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये एक शॉर्ट रिव्यू मैं मॉडल 3040 प्लस 10W30 का देने जा रहा हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मॉडल जो ऑयल 3040 प्लस था, हम लोगों ने ड्रेन किया था, बट उसका एक डिटेल में रिव्यू आप लोगों को मैं नहीं दे पाया था। टेक्सचर मैंने वहाँ पर शो कर दिया था आप लोगों को, और जो क्वान्टिटी ड्रेन हुई थी वो शो कर दिया था। क्वान्टिटी फिर से बता दे रहा हूँ, क्वान्टिटी थी आपकी 750 ml आपकी ड्रेन में आई थी। इसके बाद जो सम्प को क्या कहते हैं, जो क्रैंक केस ओपन किया था, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी निकली थी 100 ml और प्लस कर लीजिए, तो वो ओवरऑल क्वांटिटी हो गई 850 ml। और 850 ml जो क्वांटिटी आपकी उसमें ड्रेन में आई थी, वो आपका 1100 km चलने के बाद थी, और यही फाइनल क्वांटिटी थी। इसके अलावा और भी कोई ऑयल जरा भी नहीं निकला था, क्योंकि क्रैंक केस ओपन था तो आप समझ सकते हैं कि और थोड़ा बहुत भी ऑयल इंजन के अंदर बाकी नहीं था। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं मॉडल 3040 प्लस के परफॉर्मेंस की। तो पहली चीज़, लाइफ स्पैन 850 ml ऑयल निकला है 1100 km में, तो इसका लाइफ स्पैन तो आप मान करके चलिए कि बिल्कुल थर्ड क्लास मान लीजिए, इसका लाइफ स्पैन बिल्कुल भी है नहीं ज़रा भी। इसके बाद एटलीस्ट 150 cc बाइक्स के लिए तो ये ऑयल नहीं बना हुआ है, ये समझ लीजिए शॉर्ट में। 125 या 100 cc बाइक में आप डाल सकते हैं नॉर्मल सिटी यूज़ के लिए, और हाईवे परफॉर्मेंस या आपका थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, इस तरीके की राइड के लिए जिसमें आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट हो या ऑयल की ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर्ड हो, वहाँ के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट चीज़ हम लोग आते हैं कि आपका ऑयल का क्या कहते हैं फील कैसा था। तो फील की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फील जो था, देखिए आज तक मेरी बाइक में पहली चीज़ तो कभी भी हीटिंग इश्यू नहीं हुआ, और इस ऑयल के साथ में पहली चीज़ जो हुई वो ये था कि बाइक आपकी आफ्टर 40 km राइड के बाद जो इंजन है वो हीटअप कर रहा था। वो बिल्कुल एब्सोल्युटली ये मान करके चलिए एकदम फील किया जा सकता था कि हाँ इंजन हीटिंग है, जबकि इंजन हीटिंग कभी मेरी बाइक में आज तक मैंने कभी फील नहीं की। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका क्या कहते हैं स्मूथनेस कैसी थी। तो स्मूथनेस मान करके चलिए कि जैसे हाईवे पर आप बाइक को चला रहे हैं, और करीब आपने बाइक को चला लिया ऐसे ही 30-40 km लगभग चलाया, तो स्मूथनेस जो थी वो डिक्रीज़ हो रही थी, इंजन हार्श फील हो रहा था और इंजन रफ़ फील हो रहा था, उसमें रफनेस आ रही थी इंजन में। अब देखिए दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अराउंड 40 km चलाने के बाद आपका इंजन हीटिंग आ रही थी और इंजन रफ़ हो रहा था। तो देखिए एक तरफ स्मूथनेस डिक्रीज़ हो रही थी, इंजन हीट हो रहा था, दैट्स वाई आपकी स्मूथनेस भी डिक्रीज़ हो रही थी। और दूसरी चीज़ ये है, जब देखिए इंजन ऑयल जब भी हीटिंग करेगा, अगर इंजन ज़्यादा हीट करेगा तो वो फिर इसका मतलब वो स्लज भी फॉर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि वो मान करके चलिए इनकैपेबल है हीट को बियर करने के लिए, तभी वो इंजन को हीट होने दे रहा, अदरवाइज इंजन ऑयल जो होता है वो इंजन को हीट नहीं होने देता, अगर आपका इंजन सही सलामत है देन। नेक्स्ट चीज इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, 100 cc बाइक में आप इसको 1500 से 2000 km तक चला सकते हैं, नॉर्मल यूजिंग में आप चला सकते हैं 100 cc 125 cc में। और अगर 150 cc में मान करके चलिए आपकी मजबूरी है, आपको कोई और अदर ऑयल नहीं मिल रहा है, आपको ये डालना ही डालना है, तो 150 cc में 1000 से 1500 km से ज़्यादा इसको मत चलाइए। या तो आप एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल चलाते हैं बाइक को तो कोई बात नहीं है, तो कोई भी ऑयल आपकी बाइक में सही चल जाएगा, बट अगर आपको परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ इस ऑयल को मत यूज़ करिएगा, ये उस हिसाब से बिल्कुल बना हुआ नहीं है। और जैसा कि स्पेसिफिकेशंस तो हम लोग इसके देख ही चुके थे पीछे पैक पे, फिर से हम लोग एक बार गौर कर लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है मॉडल 3040 प्लस 10W30 विद API SM VTW। VTW मतलब होता है दोस्तों वॉल्व ट्रेन वियर, यानी कि API SM जो कैटेगरी है वो स्पेशली वॉल्व ट्रेन वियर के लिए आपका इसको मतलब स्पेसिफाई किया गया है, API ने इसको स्पेसिफाई किया है वॉल्व ट्रेन वियर के लिए इस API SM को। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे API की जितनी कैटेगरीज हैं SJ SL SM SN SP, सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके बारे में और फर्दर हम लोग डिटेल में बाद में हम लोग बात करेंगे किसी और एक उस पर। तो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर गौर करते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए MA2 का रजिस्ट्रेशन नंबर है इनका, और इसके अलावा API कैटेगरी लिखी है SM। जैसे MA2 HCTEC मैंने आपको बताया था कि HCTEC क्या है, मॉडल का हाइड्रोक्रैकिंग टेक्नोलॉजी है, और हाइड्रोक्रैकिंग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आपका रिफाइनमेंट में नहीं मानी जाती है, बट स्टिल यहाँ पर ये हाइड्रोक्रैकिंग ये यूज़ कर रहे हैं, तो
शायद इन ये मान करके चलिए इकोनॉमिक होगा तभी ये यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं होता है। इसके अलावा और कोई इसके बारे में जानने वाली बात है नहीं, परफॉर्मेंस मैंने आपको बता ही दिया है। और ऑयल की ड्यूरेबिलिटी आप लोग खुद देख सकते हैं, टेक्सचर फिर से देख लीजिए एक बार, जो मैंने आपको शोरूम में दिखाया था, थंब पर लेकर के दिखाया था, अंगूठे पर, क्योंकि वहाँ पर उस समय आपका और कुछ था नहीं वहाँ पर सिस्टम। इसके अलावा परफॉर्मेंस की अगर बात, मैंने आपको बता ही दिया कि परफॉर्मेंस और जैसा मैंने बाइक को चलाया है, ओवरऑल मान करके चलिए कि 150 cc के हिसाब से तो ऑयल ये नहीं है डिज़ाइन। अब इसमें आप कुछ भी इसको स्पेसिफाई कर रहे हो API कैटेगरी से या जैसो कैटेगरी से, तो बस ये एक लुब्रिकेंट है जिसको डालने से आपका इंजन कुछ टाइम तक प्रोटेक्ट रह सकता है, तो उस हिसाब से डालना चाहे तो डाल लीजिए, अदरवाइज़ परफॉर्मेंस की उम्मीद इस ऑयल से आप मत ही करिए, उस चीज़ में आप थोड़ा सा निराश होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये एक रिव्यू है आपका मोटल 3040+ 10W30 ऑयल का, जो कि लास्ट आपका वीडियो में आपने देखा है ड्रेन किया गया था। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कीप इन टच। जो कोई आपका क्वेश्चन क्वेरीज हो वो आप लोग पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।